नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्टोर उपाध्याय। देश विरोधी ताकतों और कई उपद्रवी संगठनों ने जिस तरह से नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों को भड़काकर मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की, अब वो साजिश धीरे धीरे फेल होती हुई नजर आ रही है। भारत बंद के दौरान इसका बड़ा नतीजा भी देखने को मिला, क्योंकि जिस मकसद के साथ कई राजनीतिक संगठनों ने भारत बंद का समर्थन किया और फिर किसानों के आंदोलन में हिस्सा लेने पहुंचे, तो उन्हें बेइज्जत होना पड़ा। कई जगह तो किसानों ने इन्हें खदेड़ भी दिया और भारत बंद का असर बेअसर रहा। कुल मिलाकर किसान अच्छे से समझ गए हैं कि उनके नाम पर ये तमाम संगठन अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं, इसीलिए अब किसानों ने इन्हें करार जवाब देते हुए बता दिया है कि हम अपनी मांगों को शांतिपूर्वक ही सरकार के सामने रखेंगे और आंदोलन को हाईजैक करने वालों के बहकावे में कतई भी नहीं आएंगे। और अब धीरे धीरे किसानों ने अपने आंदोलन को समेटना भी शुरू कर दिया है। दरअसल दिल्ली नोएडा सीमा पर चिल्ला बॉर्डर पर धरने पर बैठे भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद थे। राजनाथ सिंह को किसानों ने अपनी मांगों का एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसके बाद रक्षा मंत्री ने सभी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया। ये देखकर प्रदर्शनकारी किसान स्थल को खाली करने के लिए राजी हो गए और सड़क पूरी तरह से फिर से खुल गई। तो वह हरियाणा के किसान कृषि कानूनों के समर्थन में उतर आए हैं। हरियाणा के किसान संगठनों ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलकर समर्थन की चिट्ठी सौंपी है। हरियाणा के किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की है। इन किसानों ने कृषि मंत्री को नए कृषि कानूनों को रद्द न करने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने कृषि मंत्री को समर्थन की एक चिट्ठी भी सौंपी है। किसानों ने कृषि मंत्री को नए कृषि कानूनों को समर्थन देते हुए ये मांग की है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडी व्यवस्था यानी कि APMC जारी रहनी चाहिए। किसानों ने कहा है कि भले ही कानून में कुछ सुधार किए जाएं, लेकिन रद्द ना किया जाए, क्योंकि ये कानून किसानों को फायदा पहुंचाने वाले हैं। तो वे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत सरकार के द्वार 24 घंटे किसानों के लिए खुले हैं। मैं समझता हूं कि अगर ये किसान आंदोलन माओवादी और नक्सल ताकतों से मुक्त हो जाए, तो हमारे किसान भाई बहन जरूर समझेंगे कि ये किसान के बिल उनके और देश हित के लिए हैं। उन्होंने कहा है कि सबका विश्वास रहता है कि हमारे लीडर हमारा ध्यान रखेंगे, पर शायद यहाँ ऐसे लीडर हैं ही नहीं। ऐसा डर का माहौल इन नक्सल लोगों ने बना दिया है कि जो किसान नेता असल मुद्दों की बात करना चाहते हैं, तो किसी में हिम्मत ही नहीं बन पा रही, क्योंकि ये डरा देते हैं। यानी कि साफ है कि वामपंथी और खालिस्तानियों की चाल अब फेल हो गई है, क्योंकि झूठ फैलाकर किसानों को भड़काने वाले गैंग की असल सच्चाई अब पूरे देश के सामने आ गई है। किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर सरकार को टारगेट करने के साथ ही देश के खिलाफ बड़ी साजिश रचने के कई सबूत सामने आ गए हैं। इसीलिए किसान इस गैंग को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मैदान में उतर आए हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।